चलिए बढ़ते आगे अहम खबरों पर अब विस्तार से नजर डालते हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अयोध्या विवाद को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं करने का फैसला लिया है। वक्फ बोर्ड के इस फैसले से शांतिपूर्ण माहौल में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ होता दिख रहा है। इससे पहले देश की कई दिग्गज मुस्लिम हस्तियों ने भी रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की बात का विरोध किया था। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अयोध्या मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं करेगा। लखनऊ में वक्फ बोर्ड की बैठक में 6 सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने की बात कही, जबकि एक सदस्य अब्दुल रजाक खान ने फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का सुझाव दिया। कोर्ट ने आम राय से तय किया कि इस मामले में अब कोई पुनर्विचार याचिका दायर नहीं की जाएगी, जबकि बोर्ड के एक सदस्य जनाब अब्दुल रजाक खान साहब अधिवक्ता ने इस राय का विरोध किया। बैठक में मस्जिद निर्माण के लिए दी जाने वाली 5 एकड़ जमीन लेने पर कोई चर्चा नहीं हुई। बोर्ड ने साफ किया कि इस पर कोई भी फैसला सरकार का प्रस्ताव आने के बाद ही लिया जाएगा। 5 एकड़ जमीन के मामले में अग्रेतर कार्रवाई अभी विचारार्थ है और अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। नहीं, जमीन के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, वो जब आफर आएगी गवर्नमेंट का फिर वो देखा जाएगा। वक्फ बोर्ड का फैसला आने के बाद उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को ये बात पहले ही साफ कर देना चाहिए था। उस वक्त भी सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने साफ कर दिया था कि हम रिव्यू पिटीशन में नहीं जाएंगे। पक्षकार और भी जो थे उन्होंने भी ये साफ कर दिया था कि हम रिव्यू पिटीशन में नहीं जाएंगे। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पिछले दिनों रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की बात कही है, लेकिन देश की कई दिग्गज मुस्लिम हस्तियां रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का विरोध कर रही हैं। ऐसे में सुन्नी वक्फ बोर्ड के इस फैसले से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की एक बड़ी अड़चन दूर होती फिलहाल दिखाई दे रही है।